भारत भूमि पर जन्मा एक ऐसा वीर जिसने बचपन में ही अपना सब कुछ, धन संपत्ति और माता पिता की छाया तक को गवा देने के बावजूद विकट परिस्थितियों और भीषण संघर्ष को अपनी शक्ति बना एक अद्भुत देशभक्त योद्धा के रूप में मुगलों के सामने अनेकों युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारा वह वीर बुंदेल छत्रसाल। आज के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच का झांसी के आसपास फैला लगभग 100 मील क्षेत्र बुंदेलखंड के बुंदेल वंश के एक वीर चंपत राय, जिसने मुगलों के अत्याचारों को सहन न कर मुगल सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह किया और मुगलों के विरुद्ध कई युद्ध लड़े। उनकी वीर योद्धा पत्नी लाल कुंवरबाई ने 4 मई 1649 के दिन अपने पुत्र छत्रसाल को तिकमगढ़ जिले के काकरकचनी गांव में जन्म दिया। अपने हमेशा से ही मुगलों से जूझते रहने के कारण बेहतर सुरक्षा और परवरिश के लिए चंपत राय ने छत्रसाल को माता लाल कुंवर के साथ अपने नाना के घर भेज दिया। वहां कुछ वर्षों तक छत्रसाल की शस्त्र शिक्षा भी हुई। माता पिता के राष्ट्र के लिए संघर्ष का बचपन में ही अनुभव करने के कारण छत्रसाल में धर्मनिष्ठा, निडरता और राष्ट्रभक्ति जैसे गुण स्वाभाविक ही थे। उनके बचपन से ही यह गुणों को दर्शाती एक कथा आज भी बुंदेलखंड में प्रचलित है। बुंदेलों की आराध्य देवी माँ विंध्यवासिनी के महोत्सव में देवी माँ को पुष्प अर्पण करने के लिए 10-12 साल के छत्रसाल जब अपने कुछ मित्रों के साथ निकले, तब देवी माँ की मूर्ति तोड़ने के उद्देश्य से आए हुए कुछ मुगल सैनिक रास्ते में उन्हें मिले और संवाद में उनकी ऐसी घिनौनी मंशा ज्ञात होने पर बालक छत्रसाल ने क्षण भर भी विचार किए बिना कमर पर लटक रही खड़ग निकाल सैनिक पर आक्रमण किया और दूसरे सैनिक कुछ समझे उससे पहले ही बालवीरों की टोली ने छत्रसाल का अनुकरण कर सैनिकों को मार भगाया। अपने एक हाथ में खड़ग और दूसरे हाथ में फूलों की टोकरी लेकर वह देवी माँ के मंदिर में पहुंचे और लोगों ने उनको ऐसे रूप में देखकर उनको तब ही बुंदेलखंड का भावी संरक्षक मान लिया। कुछ समय बाद ही वर्षों से ही चंपत राय और उनकी पत्नी के प्राणों के भूखे मुगलों ने उनके कुछ संबंधियों के साथ मिलकर योजना के अनुसार जब चंपत राय उनकी पत्नी के साथ एक जंगल में से गुजर रहे थे तब उन पर आक्रमण किया और तब मुगलों का प्रतिकार करना असंभव ज्ञात होने पर दोनों ने ही स्वयं ही खड़क निकाल अपना जीवन समाप्त किया और दोनों मृतदेहों से सिर धड़ से अलग कर औरंगजेब के समक्ष दरबार में पेश किया गया। और ऐसी घिनौनी घटना के साथ ही सिर्फ 12 साल की उम्र में ही छत्रसाल का जीवन से सब कुछ चला गया। सर पर न छत, न धन, न ही माता पिता का हाथ। औरंगजेब के डर से किसी संबंधी या करीबियों ने उन्हें शरण भी नहीं दी, परंतु प्रदेश के कुछ आम लोगों की सहायता के छत्र में उन्होंने ऐसी विकट परिस्थितियों में भी खुद को संभाल, भीषण संघर्ष के समय में भी राष्ट्र की स्वतंत्रता और उसके लिए आगे की रणनीति के विचार अभ्यास में कुछ वर्ष व्यतीत करने के बाद देव कुंवरी से विवाह रच अपने पिताजी का वचन पालन किया। उन्होंने लगभग 1665 में मुगलों की कूटनीति, दावपेच और युद्ध रणनीति जानने के प्रयास के भाग रूप मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना में भर्ती हो कुछ युद्ध भी लड़े और जीतने में भी सहायता की। और जब जयसिंह ने दक्षिण में रायगढ़ की ओर प्रस्थान किया तब यह अवसर का लाभ उठा छत्रसाल शिवाजी महाराज से मिलने में समर्थ रहे। उन्होंने जब शिवाजी से उनकी सेना में भर्ती होने की इच्छा व्यक्त की तब शिवाजी ने अपनी तलवार देते हुए कहा, आप बुंदेलखंड को स्वतंत्र करो, हमें मुगलों से स्वतंत्रता के लिए तुम्हारे मेरे जैसे कई लोग चाहिए। यह समय पर युद्ध की आग केवल एक स्थान से नहीं परंतु राष्ट्र के हर कोने से उठनी चाहिए। बुंदेलखंड को नेतृत्व की जरूरत है, आपको वहां जाकर देश प्रेमी बुंदेल प्रजा को संगठित कर मुगलों के सामने लड़ने की प्रेरणा देना आवश्यक है। मराठा हिंदुत्व की रक्षा के लिए सदैव आपके साथ रहेगी। और यह सुन सटीक दिशा, अदम्य जोश और अपार राष्ट्र प्रेम के साथ बुंदेलखंड पहुंच प्रदेश में मुगल सेना की संख्या, उनकी उपस्थिति और भौगोलिक परिस्थितियों का आकलन किया, लोगों को अपने साथ राष्ट्र रक्षा हेतु जुड़ने के लिए प्रेरित किया, परंतु अपने ही भाइयों ने उनके साथ जुड़ने से मना कर दिया। परंतु फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और सिर्फ 5 घोड़सवार और 25 सैनिकों की सेना तैयार की। उस बीच बुंदेलखंड के ओरछा का पवित्र मंदिर ध्वस्त करने के लिए औरंगजेब ने फिदाई खान के नेतृत्व में एक सेना भेजी, परंतु बुंदेल युवकों ने छत्रसाल के नेतृत्व में उसका प्रतिकार कर उन्हें भगा दिया।
उसके बाद छत्रसाल ने थंदेरा सहित आसपास के प्रदेशों में अपना अधिकार स्थापित किया। मुगलों का केंद्र धामोली गांव पर अधिकार प्राप्त होने के बाद उन्हें कई मुगल शस्त्रों और तोपें प्राप्त हुई और यह समाचार सुन मुगलों में खलबली मच गई। औरंगजेब ने रहुल्ला खान को आक्रमण करने के लिए भेजा, परंतु वह भी टिक नहीं पाया और भाग गया। दूसरी बार भी उसका वही हाल हुआ। औरंगजेब ने अपने कुशल सेनापति तहव्वर खान को भी आक्रमण करने के लिए भेजा और इस बार छत्रसाल ने पहाड़ी विस्तार में छापामार युद्ध नीति से मुगलों को परास्त किया। छत्रसाल के दोनों भाई रतन शाह और अंगद भी उनके साथ जुड़ गए और मुगलों से एक घमासान युद्ध के बाद ग्वालियर भी छत्रसाल के अधीन आ गया। पश्चिम की ओर नरवर पर भी आक्रमण कर मुगलों को वहां से हटाया और औरंगजेब के पास यहां से जाने वाला कर रूपी खजाना बंद हो गया और छत्रसाल की सैन्य शक्ति के साथ धन शक्ति भी बढ़ गई। छत्रसाल का राज्य उत्तर में ग्वालियर से एरच तक, दक्षिण में मालवा तक, पश्चिम में नरवर तक और पूर्व में हमीरपुर तक फैल गया था और लगभग 20,000 वर्ग मील क्षेत्र पर छत्रसाल का अधिकार हो गया और वह वहां के जन नेता बने। उन्होंने समाज कल्याण के भी कई कार्य किए। गाँव में तालाब कुएं के निर्माण कार्य किए, नहर प्रणाली विकसित की। वह महिला पुजारियों और पंचायती राज के भी हिमायती थे। वे कला और संस्कृति के रक्षक भी थे। जिस कवि भूषण ने शिवाजी महाराज पर स्तुति लिखी, उन्होंने ही छत्रसाल के विषय में भी स्तुति लिख उनके गुणों को श्रद्धा से गाया है। छत्रसाल अपनी आध्यात्मिकता की ओर अपनी रुचि को कभी नकार नहीं पाए। गुजरात के जामनगर में वे जन्मे। धार्मिक और राष्ट्रीय जन जागृति के लिए देश भ्रमण करते स्वामी प्राणनाथ को छत्रसाल एक दिन मिले। आध्यात्मिकता के साथ उन्होंने छत्रसाल को राष्ट्र रक्षा हेतु मुगलों की क्रूरता और अत्याचारों के खिलाफ लड़ने की नीति में भी, जैसे शिवाजी महाराज को रामदास जी ने पथ दिखाया, वैसे ही छत्रसाल का स्वामी प्राणनाथ जी ने मार्गदर्शन किया। स्वामी प्राणनाथ जी ने छत्रसाल को पन्ना पर आक्रमण कर उसे अपनी राजधानी बनाने की सलाह दी ताकि वहाँ की हीरे की खजानों के द्वारा हमेशा से ही राष्ट्र रक्षा हेतु युद्ध के लिए धन की समस्या का समाधान हो सके। और छत्रसाल ने भी उनकी आज्ञा को आदेश मान पन्ना पर आक्रमण कर उसे राजधानी बनाई। कुछ समय बाद औरंगजेब के संधि प्रस्ताव को मान्य कर छत्रसाल ने जब दक्षिण की ओर प्रयाण किया, तब औरंगजेब ने फिर से बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और कई प्रदेश हासिल भी किए। परंतु इसकी जानकारी मिलने पर फिर से छत्रसाल की ध्येयनिष्ठ और राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत सेना बुंदेलखंड की ओर मुड़ी और न सिर्फ वह प्रदेश वापिस लिए पर विदिशा और उज्जैन तक आगे बढ़ी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद खान बंगश ने बड़ी सेना एकत्रित कर बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। 80 साल के वृद्ध छत्रसाल ने तब भी बंगश को आगे नहीं बढ़ने दिया और दूसरी ओर इतनी बड़ी सेना के प्रतिकार के लिए बाजीराव पेशवा को पत्र लिख बुंदेलों की मदद के लिए पुकारा और संदेश मिलने पर मराठा बाजीराव पेशवा ने शिवाजी महाराज ने दिए हुए हिंदुत्व की रक्षा करने के वचन का पालन कर तुरंत सहायता के लिए अपनी सेना भेजी। बाजीराव की विशाल सेना बुंदेलखंड पहुंच मुगलों पर टूट पड़ी और मुगलों की भयंकर हार हुई। बंगश ने छत्रसाल से प्राणों की भीख मांगी। छत्रसाल ने उसे क्षमा की और वह बुंदेलखंड छोड़कर चल गए। छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा को अपना तीसरा पुत्र मान अपने राज्य का तीसरा हिस्सा उन्हें दिया और उस युद्ध के बाद केवल 2.5 साल तक वह जिंदा रहे और 20 दिसंबर 1731 को 82 वर्ष की आयु में इस महान वीर बुंदेल ने अपना देह त्याग दिया। आज उनके नाम से कई विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के नाम, कुश्ती के लिए बना छत्रसाल स्टेडियम और छतरपुर शहर का नाम भी उन्हीं के स्मरणों में रखा गया है। अपार संघर्षों को अपनी शक्ति बना अपने जीवन काल में राष्ट्र रक्षा हेतु निरंतर अनेकों युद्ध लड़े इस कर्मयोगी ने और हर युद्ध में सिर्फ विजय विजय और विजय श्री ही पाई।